गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू मयंक मैथमेनिया यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। टुडे डिस्कस क्लास 9 सर्किल थ्योरम 10.8 थ्योरम जो है एनसीईआरटी बुक के थ्रू है। थ्योरम सारी एनसीईआरटी बुक के तहत होगी, जबकि क्वेश्चन आपके बालाजी के थ्रू होंगे। तो चलिए आइए बात कर लेते हैं, इसमें है क्या थ्योरम में। थ्योरम ये है कि जो आपका ये जो एंगल बन द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क, समझिएगा कि ये जो आर्क है, ये जो आपका क्या है आर्क है, ठीक है, इससे जो एंगल सबटेंड हो रहा है, ये देख रहे हैं एंगल सबटेंड हो रहा है ना, तो यहाँ पर जो एंगल बना है, ठीक है, ये कह रहा है आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाई इट। अब समझिए, और भी ये भी है साथ में, इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। तो समझिए, सर्किल का रिमेनिंग पार्ट तो ये हो गया है ना, ये पूरा क्या है रिमेनिंग पार्ट है। तो अब समझिएगा, इस रिमेनिंग पार्ट में कहीं और एंगल, जैसे यहाँ पर एंगल ये सबटेंड हो रहा है, ये देख रहे हैं ये एंगल सबटेंड हो रहा है, तो ये एंगल क्या होगा, ये आधा होगा, जबकि यहाँ वाला एंगल क्या होगा, जस्ट डबल होगा। समझ में आई बात। तो इसके प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सी से हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, यानी कि हम सी से स्ट्रेट लाइन सी ओ खींचेंगे और इसको एक्सटेंड करेंगे कहाँ तक, बी तक, ठीक है। समझ में आई बात, ये चीज़ समझिएगा, इसको मैंने आगे प्रोड्यूस किया सी ओ को बी तक, ठीक। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये ट्राइंगल देख रहा है आपको जिसका नाम है ओ पी सी, उसमें से ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा, ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है, आप जानते हैं। तो मैं यही करूँगा, और इसी तरह से इधर वाले भी ट्राइंगल में क्या करूँगा, इन दोनों का एंगल का सम ये होगा, फिर दोनों ही ट्राइंगल को ऐड करके हम इसे प्रूव कर लेंगे। समझ में आई बात। तो ये हमारा पूरा एम है, इसी के हिसाब से हम काम करेंगे। चलिए आगे आते हैं, प्रूव करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल, सबसे पहले यहाँ कंस्ट्रक्शन वगैरह लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन में आपको लिखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा कि ड्रा सी ओ एंड प्रोड्यूस्ड इट टू बी, बी तक इसको प्रोड्यूस किया। समझ में आई बात। अच्छा, प्रोड्यूस करने के बाद अब क्या होगा कि यहाँ पे हम ट्राइंगल पा जाएंगे। तो अब यहाँ कहेंगे प्रूफ में इन ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा है बेटा, तो आप देखेंगे ट्राइंगल है ओ पी सी। तो ओ पी सी ट्राइंगल में हम क्या कहेंगे कि एंगल ओ पी सी प्लस एंगल ओ सी पी, ठीक है, ये इक्वल होगा बेटा किसके, पी ओ बी के या बी ओ पी के, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा ये बताइए, ये आपको पता है रेडियस होती है ना, रेडियस है तो ये एंगल भी क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ लिखना पड़ेगा एज एंगल ओ सी पी इक्वल टू ओ पी सी, किस लिए, क्योंकि यहाँ पर रेडियाई एंगल अपोजिट टू रेडियाई, एंगल अपोजिट टू रेडियाई ऑफ सर्किल, रेडियाई ऑफ सर्किल, ठीक है, रेडियाई ऑफ सर्किल, ठीक, ये पूरा कारण लिख लीजिएगा, ठीक है, आप समझ गए। इसके आगे आते हैं, बात कर लेते हैं, इसके आगे जो हमें करना है, ये जो है दोनों सेम कर दीजिए ओ पी सी। अब देखिए ध्यान से, मुझे ये एंगल जरूरत है ना, तो इसलिए मैं लिखूंगा ओ सी पी दोनों बार, ओ पी सी को भी क्या बनाऊंगा ओ सी पी, फिर ओ सी पी, और यहाँ पे एंगल बी ओ पी, ओ सी पी, ओ सी पी कितना हो जाएगा टू टाइम्स ओ सी पी, इक्वल टू क्या हो जाएगा बी ओ पी के, इक्वेशन फर्स्ट बना लो। सेम तरीके से ये बनेगा, इसको मैं डायरेक्ट कर ले रहा हूँ, यहाँ पे लिखूंगा टू टाइम्स एंगल, ये बनेगा ओ सी क्यू, ओ सी क्यू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा एंगल, यहाँ हो जाएगा बी ओ क्यू, बी ओ क्यू, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को जब ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका टू टाइम्स एंगल ओ सी पी प्लस ओ सी क्यू, ठीक है, एंगल है, और उसके बाद बी ओ पी प्लस एंगल बी ओ क्यू। तो ओवरऑल देखा जाए बी ओ पी और बी ओ क्यू, बी ओ पी और बी ओ क्यू, मैं कह सकता हूँ एंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, और इधर क्या कहूँगा टू टाइम्स एंगल ओ सी पी, ओ सी पी और ओ सी क्यू का मतलब ये वाला एंगल पी सी क्यू, एंगल पी सी
क्यों, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये चीज आप साफ साफ देख रहे हैं कि जो पी ओ क्यू पे बना एंगल है ना, पी ओ क्यू पे जो एंगल बना होगा वो किसके जस्ट टू टाइम्स होगा जो पी सी क्यू पे बना है, ठीक है, पी सी क्यू का दो गुना ही क्या होगा पी ओ क्यू, ये प्रूफ हो गया। अब तीन कंडीशन भी निकल के आएंगी, एक कंडीशन तो आप साफ साफ देख सकते हो कि जो सेमी सर्किल होता है, ठीक है, उस पर अगर हम ये जो आपका आर्क है, ये आर्क है पूरा, इस पे एंगल ये बन रहा होता है, और आपको ये भी आप लोग जानते हैं क्लास सेवन्थ में पढ़े हैं कि जो सेमी सर्किल होता है वो हमेशा राइट एंगल को क्रिएट करता है। तो आपको पता है यहाँ पर अगर 180 बन रहा है तो यहाँ का एंगल 90 होगा, ठीक है। सेम वे में जरा हम थर्ड कंडीशन की बात करें, तो थर्ड कंडीशन में हम बात करें तो रिफ्लेक्स एंगल बन जाता है, जैसे ये आर्क अभी तक इक्वल थी, लेकिन अब हम आर्क कुछ ऐसे कर दें तो ये पूरा एंगल कितना हो रहा है, यहाँ क्रिएट हो रहा। अब यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ हम शब्द यूज कर लेंगे रिफ्लेक्स ऑफ पी ओ क्यू, क्या यूज करेंगे, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू टू टाइम्स एंगल पी सी क्यू, समझ में आई बात। तो ये चीज़ आपका प्रूफ हो जाएगा, तब तक के लिए थैंक यू, अच्छे से नोट कीजिए।